नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। तो सबसे पहले आप सभी के मन में डाउट होता है, जो हमारी इकाई दो है इसके अंदर हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, और परीक्षा में जो क्वेश्चन हो कितने अंक का आएगा, हमें परीक्षा के अंदर कैसे लिखना है, परीक्षा के हिसाब से हमें कितना पढ़ना है। जैसा ही आपने थंबनेल देख लिया है कि थंबनेल पे मैंने लिखा है 8+5=13 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। जो ये एक प्रश्न आता है वो एक 8 नंबर का पूछता है, फिर एक छोटा प्रश्न पूछता है वो 5 नंबर का पूछता है इसी जो टॉपिक से। तो टोटल 13 मार्क्स हो जाएंगे आपके तैयार बिल्कुल। तो हमारा ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसमें पढ़ने वाले हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक बार हम टॉपिक को ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमें एग्जाम में कैसे लिखना है और किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सोदारण विवेचन कीजिए, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा की चर्चा कीजिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विचार कीजिए। तो अगर आपको किसी भी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे, जो आंसर है वो यही रहेगा जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इससे पहले आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने हैं, जैसे कि इसके अंदर हम रचना और ग्रंथ का नाम का जिक्र करेंगे, इसके अंदर हम पद्धति का जिक्र करेंगे, वर्णन करती और कालानुक्रम में, ठीक है, भाषा का जिक्र करेंगे, प्रकाशन का जिक्र करेंगे और विशेषता का जिक्र करेंगे। इन सभी को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन करें। तो हमें इस टॉपिक की सबसे पहला भूमिका हमें पता होनी चाहिए, तो भूमिका हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, लेकिन आधुनिक काल में इसका परिवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, और प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी से पूर्व ऐसे कई ग्रंथ मिलते हैं जिनमें विभिन्न कवियों के जीवन वर्त और कविताओं का परिचय है, जो इस प्रकार है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। तो यहाँ पर जो हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहास जो शुरुआत हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर इस इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने के लिए जो प्राचीन कवि हैं इनकी रचनाओं को आधार बनाकर जो हमारा इतिहास है वो लिखा गया है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने नाम लिया है ना, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये क्या है, ये जो रचनाएं लिखी गई हैं इन कवियों द्वारा, और जो ये जो रचनाएं लिखी गई हैं किसके द्वारा, गोकुलनाथ के द्वारा ये लिखी गई है। और भी रचनाएं जैसे भक्तमाल हो गए, कविमाल हो गए, कालिदास हजारा आदि, भले ही इन ग्रंथों में इतिहास संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इन रचनाओं का कालक्रम, समसंवत, विषय वस्तु आदि का कोई ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दैतासी ने दिया। जो सबसे पहले इतिहासकार हुए हैं वो गारसा दैतासी थे, इन्होंने इतिहास के बारे में बताए हैं। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके अंदर जो कालक्रम, समसंवत, विषय वस्तु को कोई भी ठीक प्रकार से नहीं बताया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कालक्रम क्या होता है, ठीक है ना, कालक्रम होता है कि समय के अनुसार विभाजन करना, ठीक है ना, काल हो गया समय, ठीक है, क्रम जो सही तरीके से इसको लगाना, ठीक है ना, कालक्रम का मतलब हो गया कि समय के हिसाब से जो भी पॉइंट हो गए हमें डिस्कस करना, बताना सही तरीके से। अब आपके सामने यहाँ पर
सम संवत का जिक्र आ रहा होगा और आगे आएगा विकर्मी संवत का भी जिक्र कि विकर्मी संवत क्या होता है। विकर्मी संवत और जो हमारा जो ईस्वी है इसके अंदर 57 वर्षों का डिफरेंस होता है। जो विकर्मी संवत है वो 57 वर्ष ईस्वी से पीछे चलता है, जो हमारी ईस्वी है इससे 57 वर्ष पीछे चलता विकर्मी संवत। यानी कि हमें जो भी ईयर है उसमें जैसे आज सपोज कीजिएगा 2023 चली हुई है, इसको हमें विकर्मी संवत में लिखना है तो हमारे पास इसमें है हम 57 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास विकर्मी संवत आ जाएगा। और इससे पहले हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि वैष्णव की वार्ता जिक्र किया था और वैष्णव से मुझे एक और याद आ रहा है कि हम इसमें भी पढ़ेंगे शैव के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वैष्णव क्या होते हैं, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, ठीक है, और जो शैव होते हैं जो शिव भगवान को मानते हैं। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले इतिहासकार हुए थे गारसाद दैतासी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक युग के बाद मध्यकाल की चर्चा की जा सकती है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का परिवर्तन करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गारसाद दैतासी को दे सकते हैं। गारसाद दैतासी, तो मैंने आपको भूमिका में भी बताया कि सबसे पहला योगदान जो गारसाद दैतासी इतिहासकार हुए उनका था। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था इस्तवार द लिटरेचर इंदु ए इंदुस्तानी, ठीक है, यहाँ पे मे दिख रहा है, टाइप गलती से हो गया, यहाँ पे इंदुस्तानी आएगा, नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ का जो पहला प्रकाशन है 1839 में किया, दूसरा प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई प्रकाशन क्या होता है, आप सभी से पूछ ले जा जाएगी प्रकाशन क्या होता है। प्रकाशन क्या होता है कि ग्रंथ हो गए, कोई भी रचना हो गई जो लिखी है उसका प्रकाश मिलाना, उसको लोगों को उसके बारे में बताना कि भाई ये ग्रंथ लिखा है इसमें ये बातें हमने बताई हैं, तो उसको प्रकाशन करना, ये हो गया प्रकाशन। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया गया है। लेखक ने उर्दू भाषा को हिंदी में मिलाकर ग्रंथ का कलेवर और बढ़ा दिया। इस ग्रंथ का तीसरा प्रकाशन 1871 में प्रकाशित हुआ जिसमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन गारसाद दैतासी के ग्रंथ में अनेक कमियाँ रह गई। जो गारसाद दैतासी इनके ग्रंथ में अनेक कमियाँ रह गई थी वो भी बताऊँगा कि क्या कमियाँ रह गई थी। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आ रहा है कलेवर। कलेवर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कलेवर का अगर हम अर्थ मान के चले तो इसका मतलब होता है श्री गणेश। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई श्री गणेश क्या होता है। अगर हम देखा जाए तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है कि कोई भी शुभ कार्य करना, कोई भी शुभ कार्य करना। तो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब इन्होंने जो उर्दू भाषा को हिंदी में मिलाकर ग्रंथ का कलेवर बढ़ा दिया, ठीक है, जो ग्रंथ था इसके अंदर उर्दू भाषा में हिंदी को भी मिला दिया और इस ग्रंथ का शुभ आरंभ कर दिया गया, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं। इनके ग्रंथ में क्या क्या कमियाँ रह गई, जैसे मैंने आपको भूमिका के अंदर बताया था कि इस ग्रंथ के अंदर कालक्रम और काल विभाजन पर जोर नहीं दिया गया, ठीक है, कुछ भी जो इन्होंने इतिहास के बारे में विशेषताएं बताई थी वो भी कुछ भी समय के अनुसार नहीं बताया गया, इसलिए ग्रंथ फेल हो गया। इसके बाद जो दूसरे इतिहासकार आए वो शिव सिंह सेंगर आए थे। इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था वो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था, 1883 में प्रकाशन किया था। इसमें लगभग 1000 कवि थे और इन 1000 कवियों के जीवन चरित्र की कविताओं के उदाहरण इस के अंदर रखे हैं इन्होंने। और इसमें अनेक ऐसे भी कवि आए जिनके विषय में कोई आज तक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, साथ ही कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके विषय में दी जानकारी विश्वसनीय अभी तक भी कुछ पता नहीं चला। इनके ग्रंथ में भी यही कमियां रह गई थी। आगे चलते हैं, तो दूसरे जो इतिहासकार आए थे, तो फिर जो इतिहासकार आए हमारे पास, ये जो तीसरे नंबर के इतिहासकार थे, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, मैंने तीसरे की जगह चौथा लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो ग्रंथ था, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ 1888 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक की जो पत्रिका थी वहाँ पर हुआ, ठीक है। और इसका जो
साहित्य का प्रथम इतिहास लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल ने किया था। जो इनके जो ग्रंथ का जो अनुवाद था वो डॉक्टर किशोरी लाल ने किया था। इस ग्रंथ में डॉक्टर गिरियस ने लगभग बड़े कवियों का वर्णन कालक्रम अनुसार किया। जो यही पहला ग्रंथ ऐसा था जिसके अंदर कालक्रम और काल विभाजन के ऊपर जोर दिया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि इस ग्रंथ में संस्कृत प्राकृत तथा उर्दू की रचनाओं को कोई विशेष स्थान नहीं दिया। इस ग्रंथ सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया हुआ है। ये पहला ऐसा ग्रंथ था जो कि इतिहास की दृष्टि से सफल हुआ, ठीक है, कह सकते हैं। फिर इसके बाद अगले जो इतिहासकार आते हैं चौथे नंबर के, वो तो मिश्र बंधु। ये जो तीन लोग थे मिश्र बंधु, यहाँ पे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ के प्रथम तीन भाग 1913 में और चौथा भाग 1939 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि वे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने कहा कि हम जो ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जिसके अंदर काल विभाजन का भी जोर दिया जाएगा और कालक्रम का भी, ठीक है। इस ग्रंथ में पूरे 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। पूरे इतिहास को लगभग 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने नए कवियों को भी प्रकाश में लाया, ठीक है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका स्थान बहुत ही सर्वोपरि है, वो आगे पढ़ेंगे क्यों है। इन्होंने भी इस ग्रंथ से कुछ सहायता ली थी। जो हमारे पांचवें नंबर के जो इतिहासकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इनका जो ग्रंथ का प्रसारण हुआ था 1929 में नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में हुआ था, ठीक है। और इस ग्रंथ में 1000 कवियों और साहित्यकारों को इन्होंने स्थान दिया है। शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को कुल 4 भागों में, जो हमारा हिंदी साहित्य इतिहास है इनको 4 भागों में बांटा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भाई इतिहास किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार इसका उत्तर जरूर देना कि भाई सही उत्तर क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला काल है वीरगाथा काल, जिसको हम आदिकाल के नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल का। जो अगला जो काल है, दूसरा नंबर का काल है वो भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। जो तीसरा नंबर का काल है वो रीति काल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है। और यहाँ पे इनकी जो समय सीमा है वो देख लेते हैं। जो पहला जो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 है, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रीति काल की जो समय सीमा है वो 1700 से लेके 1900 तक है, और जो आधुनिक काल है वो 1900 से लेके अब तक है। तो यहाँ पर इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी दी गई है। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इन काल के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि वीरगाथा काल है, इसके अंदर जो रामचंद्र शुक्ल ने बताया इसको वीरगाथा काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस काल के अंदर जो राजाओं के जो वीरों की जो भूमिका देखने को बहुत कम मिलती है। तो मैंने जो आपको अभी यही बताया ना, वही त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो उनकी रचनाओं और साहित्य के महत्व को और विशेष ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो चौथे नंबर के इतिहासकार हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, और इन्होंने जो इतिहास लिखा था वो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया है, जैसे संधिकाल और चारण काल, ठीक है। जो संधिकाल है इसका नाम क्यों दिया गया संधिकाल, क्योंकि ये भाषा के आधार पर नाम दिया गया है। और चारण काल, जो चारण काल में जो चारण कवि हुए हैं इन्होंने राजाओं की जो वीरता है और उनकी जो विशेषता है को ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए चारण काल इसको दिया गया है। यहाँ पर इनका जो समय सीमा है दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता हम देख लेते हैं, डॉक्टर वर्मा जी ने अपभ्रंश की अधिकांश रचनाओं को हिंदी में स्थान दिया। अपभ्रंश तथा परवर्ती हिंदी को एक कड़ी के रूप में मान्यता दी है। इन्होंने चारण काल में नई रचनाओं का भी उल्लेख किया है, जो मैंने आपको चारण काल अभी बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सातवें नंबर के जो इतिहासकार हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने जो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, 1940 में प्रकाशन हुआ है, और
इन्होंने जो मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन किया है जो कि छूट न जाए, तो पहले जो हिंदी साहित्य का अधिकार लिखा वो 1952 में, और दूसरा जो लिखा है और हिंदी साहित्य की भूमिका आदि महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की, जैसे ये उद्भव और विकास है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उद्भव और विकास है, पै नहीं आएगा इसके अंदर, ये उद्भव व विकास लिखा था इन्होंने 1955 में। अच्छा हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं कि भाई द्विवेदी क्या होता है, त्रिवेदी भी आता है, चतुर्वेदी भी आता है, तो इसका मतलब क्या है, जिसको द्विवेदी दो वेदों का ज्ञान है, त्रिवेदी जिसको तीन वेदों का ज्ञान है, इसका मतलब जो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे इनको दो वेदों का ज्ञान था। जो अगले आठवें कवि थे वो गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने भी जो साहित्य इतिहास के अंदर अपना विशेष योगदान दिया है, इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसको 1965 में प्रकाशित किया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर जो अन्य कवि हैं उनके बारे में, जैसे अन्य कवि में आते धीरेन्द्र वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है, ठीक है, राहुल शांकरत्यान है जो इन्होंने हिंदी काव्यधारा नामक ग्रंथ लिखा है, और इन्होंने जैसे आदिकाल को नाम दिया था सिद्ध सामंत युग, जैसे हमारा अगला टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। यहाँ पे जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने हैं इन्होंने लिखा है तो आधुनिक हिंदी साहित्य, और यहाँ पे इनकी समय सीमा यहाँ पे दी गई है दोनों ग्रंथों की, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने 150 वर्षों का मौलिक अध्ययन किया है इसके बारे में। और यहाँ पे अगले जो अन्य कवि हैं डॉक्टर श्री किशन लाल हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा जो कि 1900 से 1950 के बीच में लिखा गया है। आगे चलते हैं उपसंहार। अब हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है इसका हम एक निचोड़ दे देते हैं पूरा इसका, जो हम दूसरी भाषा में उपसंहार को बोलते हैं कि निष्कर्ष, इस निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं, हमें जितना पढ़ा है वो पता लग जाएगा। अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा काफ़ी लंबी है, निश्चय से इसका आरंभ परेंच विद्वान गाशा दत्तासी ने किया, आगे चलकर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, अतः उपयुक्त विवेचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विद्वान प्रयासरत हैं। पिछले वर्षों में हिंदी साहित्य का गद्य व पद्य दोनों रूपों में विकास हुआ है, हिंदी साहित्य विश्व कि किसी भी भाषा में प्राचीन और नवीन स्वरूप को टक्कर लेने में समर्थ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में बताया था कि सबसे पहले जो हमारे विद्वान आए थे वो गाशा दत्तासी आए थे, फिर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को देखने का मिलता है, शिव सिंह सेंगर का मिलता है आपको, मिश्र बंधुओं का मिलता है, इस तरह से इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पे लास्ट में हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास है इसको लेखन के अंदर विद्वानों ने बहुत ही अपना प्रयास किया है इसको सही तरीके से लिखने का, हिंदी साहित्य में गद्य व पद्य दोनों रूपों का विकास हुआ, जैसे कि हमारी हिंदी है ना गद्यांश और पद्यांश दोनों विधाओं के रूप में इसका विकास किया गया है, ठीक है, और हिंदी साहित्य विश्व के किसी भी भाषा के प्राचीन कोई भी जो ग्रंथ है या फिर और भी है जो उनके अंदर जो हिंदी साहित्य इतिहास उनको आपस में टक्कर देने में समर्थ है। ये तो था हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट समझ में आया है। तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अब यहाँ से वीडियो को छोड़ के चले मत जाना, मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक को एग्जाम के अंदर हमें कितने अच्छी तरीके से लिखना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। यहाँ तक समझ गए होंगे, मैंने आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बताने का प्रयास किया है, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये हमारी पहली वीडियो है, आगे ही ऐसे ही आप सभी के लिए और भी जो टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा जिससे आप अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सको ग्रेजुएशन के अंदर। तो भाई इस पीपीटी को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं इसमें और भी अच्छा करने वाला था तो बस वो आपको नहीं बताना चाहता, बस एक रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करना और हमारा हौसला बढ़ाते रहना क्योंकि पहली वीडियो है, और मुझे आपके जो कमेंट बॉक्स में बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इसी तरीके से आगे वीडियो लेके आऊँ उनमें भी और बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर भूमिका जरूर डालनी है, भूमिका के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हमें बताना है कि भाई जैसे कि इसके जो 19वीं शताब्दी में प्राचीन ग्रंथ है ऐसे ऐसे इसमें रचनाएं हैं, थोड़ी बहुत भूमिका 3 से 4 लाइन में आपको लिखनी है, ठीक है। भूमिका के बाद हमें पॉइंट बनाने हैं,
जैसे ये आपके सामने 8 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं ना, तो 8 पॉइंट बनाने हैं। जैसे 8 इतिहासकार हुए हैं, 8 इतिहासकार के पॉइंट बनाने के बाद उनके बारे में जो थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देना आपको, आपको ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है ना, इनके जैसे रचना का नाम लिखना है यानी ग्रंथ का नाम, इनकी पद्धति कौन सी थी, इनकी भाषा कौन सी है, इनका प्रकाशन कब हुआ और इनकी विशेषता क्या है, इन बारे में लिख देना बस। और इनसे बाहर कुछ भी नहीं लिखना, जो फालतू की या मतलब और डिटेल की जो नॉलेज है वो मत लिखना, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें ना कम से कम 3 से 4 पेज के अंदर निपटा देना है भाई, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है हमें एग्जाम के अंदर। इन सभी पॉइंट्स को लिखने के बाद हमें अन्य जो बच गए इतिहासकार कवि बच गए, इनका जो थोड़ा थोड़ा लिख देना, जैसे मैंने आपको समझाया ना धीरेन्द्र वर्मा का जो ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य है, बस ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे ख़त्म कर देना उपसंहार, उपसंहार और निष्कर्ष डाल के यानी अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। यहाँ पर इतना बड़ा उपसंहार भी नहीं लिखना, 2 से 3, 3 से 4 लाइन में हमें निष्कर्ष ख़त्म करना है। जैसे हम मैं आपको एक बार निष्कर्ष की जो लाइन बता देता हूँ कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि अंत में हम कह सकते हैं कि, या फिर उपयुक्त विवेचन के अनुसार हम कह सकते हैं, इसको हम आप यहाँ से शुरू करना। अतः उपयुक्त विवेचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विद्वान प्रयासरत हैं। आप जरूरी थोड़ी है कि आप इसी निष्कर्ष को अपनी भाषा में लिखो, आप अपनी तरफ से भी जो छोटी मोटी जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि सबसे पहले इन ग्रंथ को मिश्र बंधुओं ने परंपरा को आगे बढ़ाया, प्राचीन 19वीं शताब्दी से माना जाता है, तो ऐसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक का आपको निचोड़ लिखना होता है कि आपने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बताया हुआ है। अगर इस हिसाब से आप अपने इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे अटेम्प्ट करोगे ना, तो एग्जामिनर आपके जैसे 8 नंबर का है ना, वो 8 में 7 से 7 नंबर देगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपके 8 में से 8 भी दे देगा अगर आपकी राइटिंग अच्छा हुई तो, ठीक है। और इस हिसाब से आपके 13 नंबर पक गए हैं, क्योंकि इसी टॉपिक में से छोटे प्रश्न बढ़ते हैं, जैसे कि कह देंगे कि आदिकाल का संक्षिप्त परिचय दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 भागों में बांटा है, उनके बारे में बताओ, तो इस क्वेश्चन से ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे छोटे रूप में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आप सभी को बताया वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना और एक बार आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना हमें कि आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और आगे भी इसी तरह की वीडियो लाई जाएँ आप सभी के लिए। और पहली वीडियो इस पर सपोर्ट ज़रूर दिखाना दोस्तों।